माता की जय, जय श्री राम। सभी हिंदू भाई बंधुओं को आज ये मैं बताना चाहूँगा कि मुझे सुदर्शन चैनल के अधिकारियों से मुझे ये पता चला कि यूपी में एक सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह जो 2 साल पहले अपनी आत्मरक्षा के लिए नबी अहमद जो एक एडवोकेट थे इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर शैलेंद्र सिंह पर इन्होंने हमला किया, अपनी आत्मरक्षा के लिए शैलेंद्र सिंह ने गोली चलाई। अगर शैलेंद्र सिंह गोली नहीं चलाते तो शायद शैलेंद्र सिंह आज जिंदा ना होते। वो समय पर शैलेंद्र सिंह पर हमला हुआ, अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई और उस गोली बारी में नबी अहमद एडवोकेट का देहांत हो गया। लेकिन अखिलेश सरकार बिना इंक्वायरी के ये कांड क्यों हुआ, क्या वजह है, और एक डिसीजन दे दिया और सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह के ऊपर केस बुक करके उसको जेल में डाल दिया गया। आज 2 साल से अधिक समय हो गया, आज भी शैलेंद्र सिंह के समर्थन में कोई एडवोकेट खड़ा नहीं हुआ। तमाम हिंदू एडवोकेट भी है लेकिन एक भी हिंदू एडवोकेट शैलेंद्र सिंह के साथ खड़ा नहीं हुआ। शैलेंद्र सिंह को न्याय दिलाने के लिए कोई हिंदू एडवोकेट खड़ा नहीं हुआ। अरे देश के ऊपर हमला करने वाला अजमल कसाब के साथ एडवोकेट खड़ा होते हैं, देशद्रोहियों के साथ एडवोकेट खड़ा होते हैं, देश को बर्बाद करने वाले जो भी लोग जो षड्यंत्र रचते हैं, जो ब्लास्ट करते हैं, जो निर्दोष लोगों को मारते हैं, उनके साथ एडवोकेट खड़ा होते हैं। और एक सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह जो अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली चलाता है तो उसके साथ एक भी एडवोकेट खड़ा नहीं होता, एक भी पुलिस का अधिकारी खड़ा नहीं होता। मैं मेरे पुलिस भाई बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो शैलेंद्र सिंह के साथ हो रहा है ये आपके साथ ना हो, इसीलिए आवाज उठाओ, शैलेंद्र सिंह को न्याय मिले ऐसी आवाज उठाओ मेरे हिंदू भाई बंधुओं, मेरे पुलिस के अधिकारी गणों। और साथ ही साथ वो समय पर अखिलेश की सरकार थी, आज योगी जी की सरकार है और हमें विश्वास है कि योगी जी की सरकार में शैलेंद्र सिंह को न्याय मिलेगा। मैं हमारे योगी जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत शैलेंद्र सिंह को बेल मिले, शैलेंद्र सिंह को न्याय मिले और पूर्ण वो सम्मान मिले जो शैलेंद्र सिंह उस सम्मान के जो हकदार है, पूर्ण शैलेंद्र सिंह को वो सम्मान मिले, ऐसा मैं योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मेरे तमाम हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो को इतना फैलाए कि शैलेंद्र सिंह के साथ न्याय हो, उसके परिवार के साथ न्याय हो, उनको न्याय मिले। मेरे भाइयों, आज भी शैलेंद्र सिंह का परिवार कई 100 किलोमीटर छुप कर रह रहा है, उनका परिवार आज एक भय के वातावरण में जी रहा है कि कौन कब हमला कर दे। मैं पुलिस के अधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि फिर कोई देशद्रोही, फिर कोई आतंकवादी, फिर कोई गुंडा पुलिस के ऊपर अत्याचार ना करे। अगर पुलिस पे अत्याचार हो तो फिर आप बंदूक चलाने में भय का वातावरण में आप जिए, अगर आप गोली नहीं चलाए तो आप भी मरोगे। इसलिए मैं बात क्यों कहना चाह रहा हूं कि शैलेंद्र सिंह के साथ यही हुआ। शैलेंद्र सिंह अगर अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर गोली नहीं चलाता तो आज शहीद शैलेंद्र सिंह हम कहते थे। इसलिए अपनी आत्मरक्षा के लिए शैलेंद्र सिंह ने गोली चलाई और शैलेंद्र सिंह के साथ न्याय मिले। उन तमाम हिंदू एडवोकेट से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शैलेंद्र सिंह के साथ खड़े हो और उसको न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग खड़े होकर उस शैलेंद्र सिंह को न्याय दिलाए, ऐसा मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।